Me gustaría pensarte menos y besarte más. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे हॉल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी, क्योंकि थंबनेल देख के आप सब जान गए हैं कि करवा चौथ के रिगार्डिंग ही मैंने बहुत सारी साड़ियाँ खरीदी हैं। तो उससे रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी। तो थंबनेल देख के आज का भी आप जान गए हैं कि आज भी जो साड़ियाँ होने वाली हैं वो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग होने वाली हैं। दिवाली, दशहरा, करवा चौथ, नवरात्रि के लिए ही ये साड़ियाँ मैंने परचेज करी हैं। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इनकी मटेरियल क्वालिटी कैसी मिल जाती है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आप सबके साथ वो पिक्चर इंसर्ट कर देती हूँ जिसको देख के मैंने साड़ी को परचेस किया था। साड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, अगर आप रील्स वगैरह देखते होंगे तो आपने ये वाली साड़ी बहुत बार देखी होगी। मुझे भी बहुत उम्मीद है इस साड़ी से कि इसकी मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो प्राइस जो है वो उसका बहुत ज़्यादा है, तो देख लेते हैं कि साड़ी जो है वो हमें इस प्राइस रेंज में कैसी मिलने वाली है। तो फिर चलिए साड़ी दिखा रही हूँ मैं आपको। तो जो साड़ी मुझे मिलती है वो ये वाली साड़ी है, मैंने वाइन कलर ऑर्डर करा है। इस साड़ी में और भी कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, डार्क ब्लू कलर कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल था, और भी कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। मैं लिंक या कोड जो भी होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साड़ी देख लेते हैं, सबसे पहले इसका आँचल देखेंगे। तो जो साड़ी का फैब्रिक है वो आपको जॉर्जेट फैब्रिक का मिल जाता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि साड़ी पे ऊपर की तरफ आपको पूरा ही वर्क मिलता है। जरी का जो वर्क किया गया है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। जरी का जो काम है इस साड़ी पे वो कहीं भी निकला हुआ नहीं मिलता है। मतलब साड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच लुक सा देती है आपको जब आप इसको वियर करेंगे। कोई भी पहनने के बाद नहीं कह सकता है कि ये जो साड़ी थी ये इतने कम प्राइस रेंज में आपने परचेस करी होगी। साड़ी पे बीच बीच में आपको बूटे भी दिखाई दे रहे होंगे। सबसे ज़्यादा मेन जो ब्यूटी है वो उसकी जरी वर्क की वजह से है, जो कि इसके लेस वाले पोर्शन में आपको मिल जाती है, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। एक बार काम पास से दिखा देती हूँ तो आप देख सकते हैं काम आपको कितना ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा काम आपको इस साड़ी में मिलता है। साड़ी का फैब्रिक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि दिवाली या दशहरे पे या करवा चौथ पे आपको दिन भर अगर साड़ी पहननी है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक आपको इसमें मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूँ जो लेस वाला पोर्शन है वो आपको आँचल वाले पोर्शन तक ही मिलता है, तो ऊपर तक ही मिलता है, यहाँ तक ही आपको लेस मिलती है। उसके बाद जो है ये साड़ी ऊपर की तरफ आपको लेस नहीं मिलती है इस साड़ी में, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। तो इतना जो है इतना पूरा इसका जो है ये आँचल वाला पोर्शन आ जाता है, जिसमें ऊपर की तरफ लेस मिल जाती है। जहाँ से आँचल ख़त्म होता है वहाँ से पूरी साड़ी में आपको हिंद बूटियों का वर्क मिल जाता है। एक बार बूटियों की फिनिशिंग आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें जो सितारे स्टिच करे हुए हैं उनकी फिनिशिंग भी अच्छी है, मतलब चिपकाए हुए नहीं है, ये स्टिच करे हुए हैं। शायद मैं आपको एक बार पास से दिखा दूँ तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये धागे से सिले हुए हैं, लेकिन कोई भी थ्रेड वगैरह जो है वो उसमें निकला हुआ नहीं मिलता है। साड़ी के नीचे वाले बॉटम वाले पोर्शन में पूरे में आपको लेस मिल जाती है। पूरी साड़ी जो है उसमें आपको बूटे बूटे के वर्क जो हैं वो सितारों वाले मिल जाते हैं। साड़ी का कपड़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, कलर बहुत सुंदर है, वाइन कलर मैंने परचेस किया था, सेलेक्ट किया था, क्योंकि ये वाला कलर जो है वो मेरे पास थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार कुछ नया सा कलर ट्राई करती हूँ। और ये वाला जो कलर है उसको आप किसी भी फेस्टिवल में अच्छे से पहन सकते हैं। ये जो है रेड से थोड़ा सा मिक्स कर मैच करता रहता है, इसलिए ये कलर बड़ा ही प्यारा सा लगा मुझे। कलर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर भी साड़ी का बहुत अच्छा है, कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको, और जो वर्क करा गया है वो आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा वर्क आपको मिलता है। साड़ी की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि जिस रेट में आपको ये साड़ी मिल गई है उस रेट के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इस साड़ी का जो काम करा गया है वो बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम है वो आपको इसके लेस वाले पोर्शन पे मिल जाता है, इसी की वजह से पूरी साड़ी की ब्यूटी है। आप देख सकते हैं लगाने के बाद साड़ी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब मैं आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो इस साड़ी का है वो इसका ब्लाउज पीस है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि उसको देख कर ही मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई थी। मुझे इसका ब्लाउज पीस पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आपको मैं दिखा पा रही हूँ इसका जो ब्लाउज पीस है,
सबसे पहले मैं आपको इसमें फ्रंट में करा हुआ वर्क दिखाती हूँ जो कि आपको ब्लाउज के आगे वाली पोर्शन में मिलने वाला है। तो वी नेकलाइन आपको मिल जाएगी और देख सकते हैं कितना ज़्यादा भरा हुआ काम आपको मिलता है। और आपको अपनी स्लीव्स में लगाने के लिए ये पूरा जो पोर्शन काम का है वो पूरा आपकी स्लीव्स पे आएगा, तो पूरे पे आपको अच्छा खासा वर्क मिलता है। वर्क जो है वो मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें ईजिली आपकी एल्बो लेंथ तक की स्लीव्स निकल आएगी, कपड़ा उतना दे रखा है। कपड़े की क्वालिटी, ब्लाउज के कपड़े की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है, मतलब आप इसको स्टिच करवा सकते हैं, चुभने वाला कपड़ा आपको लग सकता है। एक बार अंदर से आपको दिखा देती हूँ, तो ये वाला फैब्रिक है तो उसके ऊपर भी काम मिल जाता है, मतलब ऐसे चुभ सा कुछ नहीं रहा है, लेकिन आप इसके अंदर अस्तर लगवाएंगे ही तो जिसकी वजह से चुभने का जो डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ब्लाउज पीस का फैब्रिक अच्छा है, आप उसको स्टिच करवा सकते हैं क्योंकि इसी से ही पूरा ही ग्रेस आने वाला है। तो ये दोनों दोनों स्लीव्स पे देखिए आपको काम मिल गया। ये आपकी एक स्लीव का वर्क है, ये आपकी दूसरी स्लीव का वर्क है, और इतना कपड़ा दे रखा है कि आपकी ब्लाउज जो है वो एल्बो लेंथ तक ईजिली स्टिच हो जाएगा। तो साड़ी को जब आप इसके ब्लाउज पीस के साथ पेयर करेंगे तो साड़ी बेहद सुंदर लगने वाली है। मुझे साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन, इसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। साड़ी जो है वो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड साड़ी है, मतलब जिस रेंज में आपको ये मीशो से मिल जाती है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल जस्टिफाई साड़ी है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। इस साड़ी का नेचुरल कलर वर्क सब कुछ आपको क्लियर हो जाए, इसलिए सारी शूटिंग नेचुरल लाइट में कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो कैमरे की या अंदर घर की लाइट होती है उसमें हमें काम जो होता है या वर्क होता है वो सही से क्लियर नहीं हो पाता है, और जब हम चीज़ों को ऑर्डर कर देते हैं तो वो हमारे मन के हिसाब से नहीं आ पाती हैं। लेकिन ये जो साड़ी का काम वर्क आप नेचुरल लाइट में देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपको मिल जाता है। एक बार आप लेस देख सकते हैं, लेस का जो ग्रेस है वो कितना ज़्यादा प्यारा है, मतलब बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा वर्क आपको मिल जाता है इस साड़ी में। तो इस साड़ी को स्टाइल करके मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं साड़ी पहनने के बाद कैसी लग रही है। फिर नेक्स्ट कलर देख लेते हैं। तो अगर आप अपने वर्क प्लेस के लिए भी कोई अच्छी सी सटल सी साड़ी ढूंढ रहे हैं और वो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग भी हो जाए, अपने वर्क प्लेस पे भी इसको पेयर कर सके, तो नेक्स्ट साड़ी जो है वो डेफिनेटली वैसी ही होने वाली है। बहुत ही प्यारे से येलो कलर में मैंने इसको लिया है। इस साड़ी में बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, अगर आप लिंक को चेकआउट करेंगे तो आपको वो कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। कलर आप देख सकते हैं इस साड़ी का कितना ज़्यादा सुंदर है, मतलब ये वाला जो कलर होता है वो पूजा पाठ में तीज त्योहारों में बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैंने इसको पिक किया है। पूरी साड़ी जो है वो आपको सॉफ्ट कपड़े के साथ मिलती है, और साड़ी का वर्क आप देख सकते हैं, ऊपर भी आपको बॉर्डर मिल जाता है और साड़ी के नीचे की तरफ भी आपको बहुत ही सुंदर सा बॉर्डर मिल जाता है। पूरी साड़ी पे जरी वुवन वर्क करा गया है। तो मैं आपको एक बार काम दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं काम जो है वो कितना अच्छा मिलता है। तो इस तरह के काम में अक्सर ये दिक्कत होती है कि पीछे की तरफ से ये काम फंस जाते हैं, तो मैं आपको पीछे की तरफ भी दिखा देती हूँ कि फ्रंट के निकलने का कोई चांस नहीं है। तो साड़ी का जो काम है वो आपको पीछे से भी अच्छा मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। तो साड़ी जो है पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि आप इस तरह की साड़ी को किसी भी डे टाइम फंक्शन के लिए भी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। फेस्टिवल्स वगैरह में, वेडिंग, किसी के यहाँ वेडिंग गेस्ट की तरह जा रहे हैं तो उसके लिए भी साड़ी बहुत अच्छे से जाने वाली है। साड़ी जो है उसकी लेंथ आपको बहुत अच्छी मिलती है। अब मैं आपको साड़ी का आँचल दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं साड़ी का आँचल आपको कितना ज़्यादा सुंदर मिल जाता है। जो येलो मस्टर्ड कलर की साड़ी है उस पर आपको गोल्डन कलर का वर्क मिल जाता है। तो अब मैं आपको उसका ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ। तो इस साड़ी की जो लेंथ है वो आपको 5.5 मीटर की मिलती है, और ब्लाउज पीस जो है वो आपको इसी तरह का मिलता है, यानी कि येलो कलर के ब्लाउज पीस पे आपको गोल्डन कलर का जरी वुवन वर्क मिल जाता है, और
जो और ब्लाउज पीस की जो लेंथ है वो आपको 0.8 मीटर की मिलती है, जिसको आप अपनी स्लीव्स पे या बैक पे अटैच करवा सकते हैं। तो साड़ी पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, और मैं आपको साड़ी को स्टाइल करके दिखा देती हूँ। तो साड़ी का फैब्रिक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, और साड़ी की लंबाई चौड़ाई जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको मिलती है। मतलब मुझे अक्सर ये दिक्कत होती है कि मुझे साड़ियाँ जो है वो थोड़ी सी छोटी आ जाती हैं जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, लेकिन इस साड़ी की लेंथ और ब्रेथ मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट आई है, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। तो अगर आपकी भी हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इस साड़ी में और भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखा देती हूँ। तो जो नेक्स्ट साड़ी है वो बिल्कुल फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही मैंने ऑर्डर करी थी, और स्क्रीन पर वो पिक्चर भी इंसर्ट करी हूँ जिसको देख के मैंने इसको ऑर्डर करी। तो मुझे पिक्चर के अकॉर्डिंग ही साड़ी लग रही है कि जैसी पिक्चर में दिख रही थी वैसी साड़ी मिल जाती है। साड़ी पूरी ओपन करके देख लेते हैं। तो साड़ी का काम आपको मैं दिखा पा रही हूँ कितना ज़्यादा सुंदर काम है, मतलब इतने कम रेट में आपको इतनी बढ़िया मटेरियल क्वालिटी साड़ी की मिल जाती है। और ये वाला जो कलर है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, अगर आप इसको फेस्टिवल में अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो साड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा खिल के आ जाती है। अब साड़ी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसका आंचल। ये साड़ी का आंचल आपको मिल जाता है, पूरी साड़ी जो है वो आपको बनारसी लुक देने वाली साड़ी मिलती है। प्योर बनारसी तो नहीं कह सकती हूँ कि इस रेंज में आपको मिल जाएगी, लेकिन हाँ बनारसी लुक देने वाली साड़ी आपको मिल जाती है। आंचल देख लीजिए आप कि आंचल आपको कितना ज़्यादा प्यारा मिलता है, आंचल पे भी आपको बॉर्डर मिल जाता है। साड़ी पूरी दिखा देती हूँ आपको। तो रानी कलर है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कलर आपको मिल जाता है। कलर मुझे साड़ी का पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये कलर मेरा फेवरेट है, और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का और लेडीज़ का ये कलर फेवरेट होता ही है। इस तरह के कलर्स जो होते हैं बड़े ही प्यारे से लगते हैं, मुझे फेस्टिवल वाइब्स देते हैं। आपको ये कलर कैसा लग रहा है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। तो साड़ी जो है आपको 5.5 मीटर लेंथ की मिलती है, ऊपर भी बॉर्डर मिल जाता है साड़ी के, और साड़ी के नीचे भी आपको बॉर्डर मिल जाता है। तो इस तरह की साड़ी के साथ आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। अगर आप इसको कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन के ब्लाउज पीस के साथ पेयर करते हैं तो साड़ी बेहद खिल के आ जाती है। तो मैं भी आपको इसको ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ पेयर करके दिखाऊंगी अभी आगे। वैसे मैं आपको दिखा दूँ तो उसके साथ आपको सेम रनिंग ब्लाउज मिलता है, और अंदर फोल्ड करने के लिए आपको कपड़ा दे रखा है जिसको आप अंदर फोल्ड कर सकते हैं। कपड़े का फैब्रिक ओवरऑल साड़ी का आपको सेम मिल जाता है। तो आपको ब्लाउज पीस जो है वो 0.8 मीटर का मिलता है, और बॉर्डर भी दे रखा है जिसको आप अपनी स्लीव्स में या बैक पे अटैच करवा सकते हैं। तो बॉर्डर की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। ये थी वो कुछ अफोर्डेबल रेंज की साड़ियाँ जो कि मैंने मीशो से परचेज करी हैं। आपको ये हॉल वीडियो कैसा लगा है, क्या आप इस तरह के और भी हॉल वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर नए हैं इस चैनल पे, नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।